नमस्कार दोस्तों, पार्ट टू आज मैं पब्लिश करने वाला हूँ। और आज की तारीख है, आज है 12 जुलाई 2024। और सबसे पहले आपको एक न्यूज़ सुना दूँ, काफ़ी लोगों ने सुन लिया होगा और पता भी लग गया होगा, कुछ को नहीं पता लगा होगा, सुन सकते हैं आप खुद से। नीतीश राणे को मुंबई पुलिस ने बुलाया है, सबूतों को देने के लिए जो दिशा सालियान की मौत से जुड़े हैं, क्योंकि नीतीश राणे पहले दिन से दावा कर रहे थे कि ये हत्या है। इस वक्त आपको बता दें, केस से जुड़े सबूत सौंपेंगे नीतीश राणे। बाकी आप डिटेल में देख लेना, आपको ये हर जगह मिल जाएगा। केस रीओपन हो चुका है दिशा शालियान का, और ये कल हुआ है 11 जून को। चलिए अब आगे आते हैं वीडियो की तरफ। 7 जुलाई को जो मैंने वीडियो किया था, पैरा इन्वेस्टिगेशन, दरअसल वो इन्वेस्टिगेशन 3 घंटे का था। और उस 3 घंटे में से जो मुझे यूजेबल लगा, ऑलमोस्ट मैंने 48 मिनट्स कट किया था। बाकी चीज़ों को मैंने हटा दिया कि मुझे हाँ जिसको वीडियो में इंक्लूड नहीं करना है, वो गैर ज़रूरी था। उसमें मैंने अराउंड 24-25 मिनट की एक पार्ट वन में, आपने देखा ही होगा, अपलोड किया था। और बाकी जो आगे होगा वो आप आज देखेंगे। और पहले पार्ट में कुछ सवाल भी उठे हैं कि केटू उस तरीके से जो हमारा रिस्पांस दे रहा था, उसका कारण है कि वो लैपटॉप के ऊपर और उसके आसपास इक्विपमेंट थे, इसलिए ये जेन्युइन सवाल है और होता भी है ऐसा। लेकिन इसको डीपली समझने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा घुसना पड़ेगा रेडियो फ्रिक्वेंसीज, EMF, बिकॉज देखिए कुछ जो होते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब मुझे तो पता है कि आपको भी पता है कि 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, ठीक है, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 0 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर? नहीं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हम जब रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, 0 dBm का मतलब होता है इज इक्वल टू 1 वॉट, ठीक है, 1 मिली वॉट, सॉरी 1 मिली वॉट। तो अब जो भी है उसकी जानकारी थोड़ी सी डीपली रखनी पड़ती है। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट में किया, देखिए वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैंने एक नेक्स्ट डे, फिर से नेक्स्ट डे या पता नहीं, मैंने शायद 2 दिन पहले एक सेटअप सेटअप भी नहीं बनाया था, घर पे ही लैपटॉप चल रहा था, मोबाइल फ़ोन भी ऑन था, उस पर 4G 5G दोनों सिम एक्टिवेटेड भी था, वाईफाई भी चल रहा था। फिर मैंने वीडियो पे दिखाया कि देखो जी केटू को रखा हूँ, क्या उसी दिन की तरह ये ब्लिंक कर रहा था, उसी दिन की तरह एक्टिवेट था? देखकर ज़रूर बताइएगा आप। और बाकी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। और मैं उतना टाइम नहीं दे पाया उस वीडियो में जिस तरह का कि मेरी इन्वेस्टिगेशंस होती, ज़्यादातर वो बेस्ड होता है EMF और ऑडियो, जो ऑडियो की रिस्पॉन्स, जो ऑडियो का रिस्पॉन्स आता है मेरी वीडियो में। अगर हो सकता है आप भी कुछ पकड़ ले उसमें, तो आप भी कोशिश कीजिएगा, और कुछ हो तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और नेगेटिव कमेंट करने वालों से देखिए मैं बोलता हूँ, आप कर सकते हैं, आपको अच्छा ना लगे, आपको फेक लगे, आप लिख सकते हैं कि फेक है, लेकिन गाली गलौज, जो गंदी गालियाँ होती है वो कमेंट पे लिखना ठीक नहीं है। मेरे चैनल को इनफैक्ट मेल फीमेल सारे देखते हैं, तो थोड़ा सा कम से कम दूसरों के रिस्पेक्ट के बारे सोचिए। गाली देकर आप बड़े नहीं बन जाएंगे, मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, आप समझ रहे हो इस बात को? बुरा लगता है आपको, फेक आप लिखिए, फेक है, आप लिख सकते हो फेक है, कोई दिक्कत नहीं। बट जो गंदी गालियाँ, मैंने देखा कुछ कमेंट आए इसमें गंदी गालियाँ थी, मैंने उनको चैनल से हाइड कर दिया है। हालांकि मुझे लोग कहते हैं मत करो, रहने दो, मज़ा इसी में आता है। बहुत मेरे हैं फ्रेंड्स बोलते रहने दो ना, कोई हाइड नहीं करता, तू क्यों कर रहा है? मेरे अपने कुछ उसूल हैं, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। चलिए अब वीडियो का मजा इसमें लीजिए आप। एक सवाल आ सकता है कि पत्तों के हिलने विलने से ये हो रहा होगा, तो मैं अब कैसे दिखाऊं पत्ता? ये एक ब्रांच है, अगर इसे हम हिलाते हैं या कोई बड़ा ब्रांच ऐसे हिलाते हैं, क्या हो रहा है क्या? मैंने तो देखा नहीं, अब जो वीडियो देखेंगे लैपटॉप पे तब पता चलेगा हुआ था या नहीं। फिर आता हूँ सवाल पे, मैं ये कह रहा हूँ जो भी है कि क्या
सुशांत भाई का पुनर्जन्म हो चुका है, तो केटू मीटर में कुछ डिफ्लेक्शन तो दीजिए, तगड़ा वाला, कि समझ में आए। एक होता है हल्का हल्का जलना, एक होता है तगड़ा वाला। इसी जगह पे हो आप, मुझे छू सकते हैं आप। पता नहीं, ये सब मैं नहीं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे जरा भी, क्योंकि लैपटॉप का स्क्रीन बिल्कुल अपोजिट है मेरे। एक बस मैं अजम्पशन पे काम कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, हो रहा हो। जब देखूंगा मैं रिकॉर्डेड वीडियो, फिर बता पाऊंगा। आपने इंडिकेशन मैंने देखा कि दिया है केटू पे, जो मैंने लास्ट सवाल पूछा था पुनर्जन्म वाला, तो क्या इसे मैं ये मान लूं कि नहीं, उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ है? ठीक है, फिर मिल गया जवाब, फिर आता हूँ सवाल पे। मैं ये कह रहा हूँ जो भी है, फिर आता हूँ सवाल पे, फिर आता हूँ पे कह रहा हूँ तो सवाल पे एक कह एक मैं कह रहा हूँ मैं एक कह रहा हूँ सवाल पे मैं एक सवाल पे मैं कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ जो मेरा ये कह मैं ये तो सवाल पता चलेगा हुआ था या नहीं, फिर आता हूँ सवाल पे। मैं ये कह रहा हूँ जो भी है, फिर आता हूँ सवाल पे, फिर आता पे एक कह रहा हूँ तो सवाल पे, फिर आता हूँ सवाल पे। मैं ये कह रहा हूँ जो भी है, फिर आता हूँ सवाल पे, फिर आता पे एक कह रहा हूँ तो सवाल पे एक कह एक मैं कह रहा हूँ फिर मैं ये कह तो सवाल पे मैं ये फिर सवाल पे मैं ये मैं कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ जो मेरा ये कैल्प मैं ये तो सवाल पता चल रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए आप, इसको ना बार बार मैं रिवाइंड रिवाइंड और फॉरवर्ड करूँगा, फिर आपको पता चलेगा। फिर आता हूँ सवाल, मैं ये कह रहा हूँ जो भी ये बहुत फिर भी अभी नहीं दिखा होगा बहुत लोगों को, ये बड़ा ही डिफिकल्ट टेस्ट था ये वाला, लेकिन इसको अगर हम जोर से रिवाइंड फॉरवर्ड अगर करते हैं, जोर से करते हैं, तो देखिए मूवमेंट नज़र आ रही है, ये मूवमेंट नज़र आ रही है सिलेस्टर, ये अल्ट्रा जूम करके दिखाया है आपको, क्लियर जो है पोल्टरजिस्ट एक्टिविटी था ये। और मेरे हाथ में कुछ है अभी जो स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा मोबाइल फोन में, ऐसे बस हाथ के आगे तो सामान नहीं पता लगा। मैंने किस कलर का शर्ट पहना हुआ है? मैंने किस कलर का शर्ट पहना हुआ है? लगा था, सुनना पड़ेगा दोबारा।
और क्या मैंने शर्ट के अंदर कुछ और भी पहना हुआ है? अगर है वो तो किस कलर का है? और इस वाले आवाज़ पे तो कोलकाता की डॉस टीम ने भी एक्सपेरिमेंट किया था मेरे सामने ही 2022 जून में मैं था दक्षिणदारी में। है वो भूतिया है और इस आवाज़ का इको वॉक्स पे एक्सपेरिमेंट करके उनको काफ़ी कुछ मिला था। इवन टॉर्च भी अपने आप जल गया था वहाँ पे। वो मेरे सामने की बात है। हालांकि यूट्यूब के लिए हम कोई वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वो मेरा कुछ अपना घूमने फिरने का टूर था। आप लोग चाहते हैं कि मैं जिस तरह की बात, क्योंकि पैरा में और मैं क्या बात कर, देखिए मेरे से कोई बोलेगा कि क्या मैं एग्ज़ाम में पास होता हूँ कि नहीं, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, मेरी शादी होगी कि नहीं, तो मैं इन चीज़ों से दूर भागता हूँ, नहीं कर सकता मैं ये सब। हाँ, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने पूछा है और उसका मुझे फ़ायदा मिला है, ये मैं लोगों से शेयर करता हूँ, बट प्रोफेशनली मैं नहीं करता हूँ किसी के लिए। मैं इसी तरह की बात करता हूँ, जैसे SSR के बारे बात किया, ठीक है, गौरव को, गौरव तो समझ लीजिए कि चैनल ही गौरव का है, मेरा क्या गौरव का चैनल ही है ये, तो ट्रू सुनाई दिया मुझे अभी। तो इसको ना, मतलब कई लोगों को मैंने देखा है कि डिस्ट्रेस में मेरे से सवाल करते हैं, जैसे उसकी पर्सनल लाइफ फेलियर हो गई या कुछ, कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या मेरे साथ आगे क्या होगा। ये मैं हाथ खड़े कर देता हूँ कि देखो जी, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। हालांकि इससे हेल्प देखो मिल सकता है, इंडिकेशन मिल सकता है कि आगे उसके साथ, उसके लिए क्या अच्छा रहेगा, लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ किसी के साथ, क्योंकि मैं अपने काम से खुश हूँ और ये सब जो कर लेता हूँ कभी कभी आप लोगों के लिए, कम ही लोग हैं, लेकिन हाँ लोग प्यार तो मुझे देते हैं। देखिए यहाँ भी सपोर्ट मिल रहा है मुझे, ट्रू भी आवाज़ है। बहुत कम लोग हैं जो मुझे प्यार देते हैं, लेकिन देते हैं, जो भी देते हैं सॉलिड देते हैं। आप चाहोगे कंटिन्यू करें इस तरह की वीडियो आने वाले टाइम में, कोई इंडिकेशन दीजिए कि आज आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हो। नो no. अब आपको मन नहीं है ना, बाय बोल रहे हो। एक बार और अपने आप को शो कीजिए। अच्छा मैं फिर जाता हूँ वहाँ, दिखना चाहिए, मैं मुझे भी स्केलेटन जैसा दिखना चाहिए। गिरा दिया केटू आपने। अच्छा मैं फिर जाता हूँ वहाँ, दिखना चाहिए, मैं मुझे भी स्केलेटन जैसा दिखना चाहिए। गिरा दिया केटू आपने। इतना कुछ होता है, लोग यहाँ कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता। अब मुझे नहीं पता मुझे डर लगता है कि नहीं, सीरियसली आई डोंट नो। नो मैं कुछ मन में सोचूंगा, आप बता सकते हो।
देखो अभी जो K2 है उसकी लाइट एक है ना। रात के कितने बज रहे हैं? 2:06। ओके, अब देखिए एक लाइट है अभी मेरे ऊपर। अभी सुशांत सिंह वाला जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उस पर कई सारे सवालिया निशान आए कि भाई तुम्हारा K2 इतना ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हारा K2 जो इक्विपमेंट के आसपास रखा हुआ है। तो चलो अभी इक्विपमेंट को आसपास रख के देखते हैं। देखो चालू मोबाइल फ़ोन में रख दिया है, ठीक है। कितना हुआ? थर्ड लाइट आई थी पहले, अब बंद हो गई। इसके ऊपर ही रखा हुआ है भैया, ध्यान से देखो। चलो अब इसको लैपटॉप के ऊपर रख देते हैं। ये लो लैपटॉप के ऊपर रख दिया। अच्छा लैपटॉप बोलोगे ऑन नहीं होगा, चलो देख लो। डॉक्टर डेथ की वीडियो चल रही है, दूर से देखो ऐसे, है ना। डॉक्टर डेथ की वो वीडियो चल रही है, कुछ और लगाते हैं ताकि पता लगे आपको। देखो लैपटॉप के ऊपर रखा हुआ है फिर भी एक लाइट है। तो भाई कैसे ऐसे बोलते हो? इतनी छोटी जानकारी कैसे रखते हो कि इक्विपमेंट तुम्हारे मतलब तुम्हारा K2 रखा हुआ था तुम्हारे इक्विपमेंट के पास, इसलिए K2 पे इतनी ब्लिंकिंग आ रही थी, 4 लाइट 5 लाइट। यहाँ तो देखो यार एक ही लाइट पावर की चल रही है। अब क्या और करके दिखाओ ये बताओ ना। अब इससे ज़्यादा और क्या करके दिखाओ? इतने सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। मेरा जो वाईफाई है वो 500 Mbps का है, 5.8 GHz का है। रूम के अंदर हूँ, बाहर होता हूँ, बाहर में EMF कम होना चाहिए, रूम के अंदर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सोर्सेस ज़्यादा हैं EMF के। लेकिन यार ये जो छोटी मोटी पढ़ाई कर ली है ना, जो विदेशियों ने बताया है आपको, उससे दिक्कत है। देखो देखो अब ये भी मत सोचना कि हाँ मेरा फ़ोन जो है मैंने फ्लाइट मोड पे कर दिया था। जो ज़्यादा टेक्निकल होंगे ना वो बोल सकते हैं कि फ्लाइट मोड पे इसने कर दिया होगा। देख लो ध्यान से, है ना। वाईफाई भी चल रहा है, दो दो सिम ऑन है, 5G 4G दोनों, ठीक है। उसके बाद भी K2 शांत है। अब चलो फिर भी K2 को इसके ऊपर रखते हैं। ये लो देखो भैया। तो सवाल उठाने से पहले थोड़ी सी जानकारी रखो डीपली। अब मैं यही हमेशा कहूँगा, लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। जो ये सेकेंड लाइट जल रही है ये भूत नहीं जला रहे हैं, सच बता रहा हूँ। ये यहाँ पे जो EMF मैनिपुलेशन हो रहा है ना, और थोड़ा उसको भी अकाउंट लिया करो। ये अगर मैं बोलता हूँ कि क्या चौथी बत्ती जल रही है।